गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बोर्ड डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। ये हमारी बोट है और आज हम इसे ही डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अब तक के जैसे बाकी के वीडियोस में हमने जो प्रोसेस किया है, वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और फिर उस इमेज को इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। पहले फ्रंट व्यू में जाते हैं और इमेज में जा कर के जैसे प्लेस करना है वो प्रोसेस कर लेते हैं। ये बोट है, इस बोट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप लोग इसे डाउनलोड करके क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये बॉक्स ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बोट है वो रेक्टेंगल शेप जैसा कुछ लग रहा है, तो मैं बॉक्स लेकर के इसे डिज़ाइन करूँगा। पॉलीक्यूब में जा करके जो लाइन वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो मेश टूल का ऑप्शन जो ऊपर दिख रहा है मेन मेन्यू बार में, वहाँ से भी आप लाइन्स को बढ़ा सकते हैं। अब आगे का पोर्शन जो थोड़ा सा पॉइंटेड है, तो वर्टेक्स पकड़ के मैं इसे इंसर्ट कर सकता हूँ। फेस पकड़ के आप अंदर की तरफ कर दें, इसके ऊपर वाले फेस को भी हम पकड़ लेंगे, वो लाइन भी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेंगे ताकि वो नीचे का जो शेप है वो पूरा अच्छी तरीके से आ जाएगा। लेकिन ये करने के साथ साथ हम देख रहे हैं ना, ये पीछे का जो पोर्शन है वो भी अंदर की तरफ आ गया, तो उसे ठीक करने के लिए एज पकड़ेंगे, एज पकड़ के उसे सीधा कर देंगे लाइक दिस। Now vertex like this, clear? Yeah. Like this. All check कर लेंगे एक बार, done. थोड़ा सा पीछे लेंगे, बाकी आगे के भी पॉइंट्स को भी पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसे पकड़ के पॉइंट्स आगे करेंगे जरा सा इस तरह से, लाइक दिस। फ्रंट से भी जा करके क्रॉस चेक कर लेंगे जरा सा, इसे पूरा प्रॉपर तरीके से हो जाए लाइक दिस। एक्स्ट्रा एजेस की जरूरत हो तो आप मैश टूल में जा करके आप डाल सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में जो भी बातें ना समझ में आए आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करिए। इसे डिलीट कर देंगे, फेस पकड़ के डिलीट कर देंगे इसे। आप सारे फेसेस को पकड़ के एक्सट्रूड बोल देंगे,
सारे फेसेस को पकड़ेंगे और एक्सट्रूड मोड में जाएंगे। दिस शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड थोड़ा सा मच मोर मच बेटर। अच्छा दिख रहा है अभी। ओके या डन। ये तो हो गया हमारा बेस मॉडल और अब हम ऊपर के पोर्शन को जरा डिजाइन करेंगे। अच्छा ऊपर के पोर्शन को डिजाइन करने से पहले ये जो डिजाइन है जो इसमें लाइंस कुछ पार्टीशन बने हुए हैं वो हम क्रिएट करेंगे। इसमें पार्टीशन करने के लिए मैं एज को बढ़ा दे रहा हूँ और फिर उसे सेंटर के एज को पकड़ के अंदर की तरफ पुश कर दूंगा, पीछे के डीसेलेक्ट कर देंगे, पीछे के एज को डीसेलेक्ट कर देंगे क्योंकि पीछे का पोर्शन अंदर की तरफ है ही नहीं तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, जितना है उतना ही करेंगे, डीसेलेक्ट कर देंगे, शिफ्ट से डीसेलेक्ट कर देंगे, शिफ्ट प्रेस करके। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से कईयों ने कहा था कि सर टाइगर पे आप वीडियो बनाइए, सो उसके लिए सो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि रेफरेंस अभी तक नहीं मिल पाया है कि मैं किस बेस पे उसे मैं क्रिएट करूँ, तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है। मैं बनाऊँगा ज़रूर टाइगर पे वीडियो, बस ये है कि रेफरेंस मुझे एक अच्छा सा मिल जाए। अब ये मेरा बेस मॉडल हो चुका है, डन। इंसर्ट एज लूप करके पूरा पार्टीशन दे देंगे। एक बात और है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका जो मॉडलिंग करने का तरीका है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये एक तो हैवी है, ऊपर से प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। आप एक दिन या दो दिन प्रैक्टिस करने से आप मॉडलर नहीं बन पाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है। ऑब्जेक्ट डेली कुछ ना कुछ आप क्रिएट करिए। हाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर बना के दूंगा उसे। मच बेटर, अभी बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। अब आगे के पोर्शन को हम डिज़ाइन करेंगे, तो फेस पकड़ के मैं इसे क्या करूँगा, डुप्लीकेट फेस बोल दूँगा इसे। डुप्लीकेट फेस करने से इसका यही साइज डिटैच होके हमें मिल जाएगा। तो शिफ्ट एंड राइट क्लिक होल्ड करके रखेंगे और नाउ डाउन जाएंगे तो डुप्लीकेट फेस ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे करके छोड़ देंगे। ओके इस तरह से हाँ डन। स्केल कर लेंगे थोड़ा सा।
ये जो बीच की अनवांटेड लाइनें हैं ना, इसे निकाल देंगे। तो एज को डिलीट करने का जो शॉर्टकट है, सेलेक्ट द एज एंड नाउ हिट कंट्रोल बैकस्पेस। कंट्रोल बैकस्पेस करने से क्या होता है ना कि एज तो रिमूव होती ही है, उसके साथ साथ उसके जो वर्टेक्स होते हैं ना वो भी डिलीट हो जाते हैं। तो हमें पूरा डिलीट कर देना है, नहीं तो एज डिलीट होती है, वर्टेक्स वहीं छूट जाते हैं। अब फेस पकड़ेंगे और इसे भी एक्सट्रूड कर देंगे तो हमारा आगे का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रूड, ब्लू वाला पकड़ के थोड़ा सा पुश करेंगे आगे की तरफ, लाइक दिस। मच बेटर, बहुत बढ़िया। इस तरह से ये वीडियो मैं पार्ट वन करके डाल रहा हूँ, इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा मैं, इसलिए इस वीडियो को मैं टू पार्ट्स में बना रहा हूँ। ये वाला पार्ट देखने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करें आप सब, दूसरा वीडियो भी एक दो दिन के अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ तक तो बहुत ही आसानी से बन चुका है, वीडियो आप सबके समझ में आई भी होगी क्योंकि मैंने एकदम आसान तरीके से इसे बनाना सिखाया है इसमें। सो गाइस, आप सब मॉडल बन जाएंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बस समय लगेगा, लेकिन आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबके सब अच्छे मॉडलर बनेंगे आगे चल के, बस प्रैक्टिस बनाए रखिए। तो अब ऊपर का पोर्शन हम बनाने चल रहे हैं, तो इसे भी एक डुप्लीकेट कर लेंगे। न्यू ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा है कि उसी पोर्शन को पकड़ के डुप्लीकेट कर लेना, इसलिए मैं फेस पकड़ के वही डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। एंड नाउ दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट से दूसरे चीज नीचे वाले ऑब्जेक्ट को डिसलेक्ट कर देंगे। अब इसमें से जो किनारे के एजेस को पकड़ के हम इनसाइड कर देंगे जरा सा, तो उसका थिकनेस हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब फेस पकड़ के एक्सट्रूड, शिफ्ट राइट क्लिक जैसे करते आए हैं, ऊपर की तरफ पुश कर देंगे, यस। उसके साथ साथ आगे का जो उसका पॉइंटर देखिए, है ना, पॉइंटर वर्टेक्स पकड़ के, ये पॉइंटर को भी हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, या परफेक्ट, नाइस। ये घुमा हुआ है जो, उसे अब बनाते हैं जरा सा, तो ये दोनों लाइनों को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरह से किनारे ले जाते हैं किनारे की तरफ। अब ये किनारे की तरफ ले जाएंगे तो हम बीच के लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। दिस सेलेक्ट करें, डब्ल्यू प्रेस करें, पुश अपवर्ड डायरेक्शन, डन। ओके, हर जगह लाइन डाल देंगे, फाइनल हो जाएगा हमारा।
क्लियर। ऑब्जेक्ट मोड राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, नाउ इसे थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, ऑब्जेक्ट मोड डन, नीचे वाले को पकड़ थ्री प्रेस करेंगे डन। बहुत बढ़िया। सो गाइस इतना आप देख रहे हैं, इतना आप प्रैक्टिस करिए, सेकेंड पार्ट में बहुत जल्द पोस्ट करने वाला हूँ, एक दो दिन लग जाएंगे। सो गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।